आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं सेंट एंड्रू बॉयज स्कूल में पढ़ाता हूँ। मूलतः मैं अयोध्या का हूँ, ये अलग बात है, शादी के पश्चात मैं कहीं का नहीं रहा। ये मैं उल्लुओं की बात हो रही है तो मैं यही कहूँगा कि उल्लुओं सा सदा आचरण कीजिए, उल्लुओं सा सदा आचरण कीजिए, अपने बच्चों की माँ को ही नमन कीजिए, उनके आगे जुबान खोलनी जो पड़े 100 दफा पहले चिंतन मनन कीजिए, उनका मन में सदा ही स्मरण कीजिए, उनकी आज्ञा का ही अनुसरण कीजिए, और लक्ष्मी हो दुर्गा हो या काली भले 100 दफा पहले चिंतन मनन कीजिए, उल्लुओं सा सदा आचरण कीजिए, और यातना पहले मन भर सहन कीजिए, खूब अर्जित मियाँ आप धन कीजिए, और इतना आसान कहाँ ब्याह का रोग है, खामखा मौत का मत प्रयत्न कीजिए, उल्लुओं सा सदा आचरण कीजिए, अपने रंग में आइए, दर्द सारा खुद ही सहन कीजिए, व्यर्थ में न जवानी हवन कीजिए, और शादी किए बिन जो उल्लू बने उन कुवारों का भी कुछ जतन कीजिए, उल्लुओं सा सदा आचरण कीजिए। काशी का हूँ मैं, देख रहा हूँ कि यहाँ सामाजिक सौहार्द बड़ा हो, सब हर आपके कास्ट के लोग दिख रहे हैं, हर जाति के लोग दिख रहे हैं, हर धर्म के दिख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, खून एक ख्वाब एक राष्ट्र हिंदुस्तान है, और भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई हर कोई हर कोई हर कोई अपनी पत्नी से परेशान है, और बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया, शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़कर मुझे खट्टा बना दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। और आजकल बड़ा खतरनाक मुद्दा चला इसराइल फिलिस्तीन वाला, तो मैं कहता हूँ पड़ा रहता हूँ घर में सरकारी फाइल की तरह, बदलता था गर्लफ्रेंड में भी मोबाइल की तरह, और हालात हो गए हैं मेरे फिलिस्तीन जैसे, और पत्नी डराती है मुझे इसराइल की तरह। वाह, और आप लोगों से अनुरोध है थोड़ा ताली बजाएं, जो ताली ना बजा रहे उनके लिए मैं यही कहूंगा, हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई वाह। मैं कहूंगा कि न कह कहे ही मिल सके न चीख मिल सकी, न कह कहे ही मिल सके न चीख मिल सकी, ठोकर बिना न जिंदगी में सीख मिल सकी, और कासा लिए मैं हाथ में फिरता रहा मगर, चाहत मिली न चाहतों की भीख मिल सकी। वाह, चाहत मिली न चाहतों की भीख मिल सकी, और बढ़िया 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 स्वागत है, बढ़िया। एक तो मैं उल्लू हूँ, ऊपर आज पत्नी मेरी नहीं है यहाँ पे, तो भावनाएं निकल नहीं पा रही हैं। मेरी पत्नी भैया यहाँ पे सांस्कृतिक संकुल मेला आप देखे हैं ना, चौका घाट पे लगता है, तो मेरी पत्नी गई वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, अपना पर्स वहाँ पे छोड़ आई, तो हम गए अगले दिन पता लगाने के लिए पर्स कहाँ छोड़े, मैं दुकान पे गया, दुकान वाले से पूछा भैया मेरी पत्नी आई थी अपना पर्स छोड़ के गई थी, तो कह रहा वो भैया सबकी पत्नियाँ आती हैं इसमें नया क्या है। हाँ। मैंने फट से मोबाइल में उनकी फोटो दिखाई, तो कहा भैया सबकी पत्नियाँ आती हैं, मास्क लगाई, कोरोना का समय चल रहा है, मैं कैसे जानूं कि ये आपकी पत्नी है। मैं सोचा कि आखिर क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं आखिर, तो मैंने बोला कि भैया कोई ऐसी औरत आई हो जिसके जाने के पश्चात मन किया हो कि दुकान को फूंक दे आग लगा दे, तो एक औरत आई थी भैया, बस वही। बढ़िया, यहाँ सब कोई हर कोई, मैं देख रहा हूँ कि मैडम आप मोबाइल थोड़ा बंद कर लेते अच्छा रहता है, मैं मोबाइल से खुद पीड़ित हूँ, जब देखता हूँ रात में मैं जाता हूँ घर पे पहुंचता हूँ, अभी प्रोग्राम के बाद जाऊंगा, पत्नी बस के दमदाजी का वीडियो देखती रहेंगे, अगर दमदाजी साक्षात बैठे हुए हैं यहाँ के नहीं देख रहे हैं, वीडियो देखेंगे, तो मैं उस पर कहूंगा कि वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचवा वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन की शाइन भाग गई थी, वो पाक की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विश्व का भैया व्हाट्सएप के कारण होगा। और बाहर में होता तो
ये सजीव उदाहरण होता और पितामह दादा की तरह होते, पितामह एकदम पवित्र आदमी जैसे हैं दादा हमारे, वो पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता ना कि अज्ञातवास के लिए जंगल होता, और कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते, और खबरें कैसी फैलती, वो कान्हा की डीपी, वो कान्हा की डीपी अर्जुन सिंह दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान दौड़ के लिए एक धंधा है, और कर्ण अछूत है, कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं लिया है कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है, वो ओलेक्स से सामान जो है कौरव ने लिया है, और कृष्ण ने नहीं कोई गीता साथ दिया होता, मोबाइल थमाया होता और पांडव का उद्धार किया। वाह वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, क्या बात है, पढ़िए कि रुक जाए है? चले कि रुक जाए, देखो पढ़िए, वो कौन सा लल्लू लोहार अंडवन भैया बोले लल्लू लोहार अंडवन। अच्छा दिक्कत ये है ना कि एक शिक्षक को मैं सेंटेंस टू वाइज को पढ़ाता हूँ, जो समस्या मैं देखता हूँ उस पर मेरी एक रचना है कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु भारत देश महान, और कालखंड में मैं कालीन ने किया अलग प्रयोग, शिक्षा शिक्षा न रही बन गई उद्योग, और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है, और कौन सी पीढ़ी, वो नुक्कड़ का नंदू, वो दीनू दिहाड़ी, वो गली का गोपी, वो पप्पू पनवाड़ी, वो बाजू का बनिया, वो लल्लू लोहार, वो गधा वो धोबी, वो कल्लू कुमार, वो चाय वाला चंदू, वो झब्बन का झाड़ू, वो मल्लू का मामी, सुरेंदर का साड़ू, वो आदिल के अब्बा, वो जुम्मन की मम्मी, वो नैकी पतोहिया जेकर नाम हो निमी, सभन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नैकी पुरानी के देखा, सबके सब गदेलन के हाँके पड़े हैं, और कोचिंग की दिशा में सब झाँके पड़े हैं। वाह, और बातें कैसी होती है, वो गुप्ता का पोता, वो शर्मा का नाती, वो पड़वा का बेटवा, जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर बिछौना के नोचे, बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थे अंगूर की दीवानी, स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूल कर लक्ष्य सबको रिझाने चली थी, पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है, और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है, असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की शक्ति लगी। वाह, बहुत अच्छी, मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ।